नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। यूएस अखबार की एक रिपोर्ट के हवाले से बोले ओवैसी, बीजेपी और एफपी के रिश्ते पर किए सवाल। AIMIM के प्रमुख हसुद्दीन ओवैसी ने अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी और फेसबुक पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि फेसबुक के कर्मचारी बीजेपी के नियंत्रण पर काम कर रहे हैं। AIMIM प्रमुख ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अलग अलग देशों के लिए फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। अब समय आ गया है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा किया जाए। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और सरकार पर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और RSS का कब्जा है। ये इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं। आखिरकार अमरीकी मीडिया में फेसबुक के बारे में सच बाहर आ ही गया। ईरान ने UAE को दी हमले की धमकी, कहा इसराइल से शांति समझौते पर फिलिस्तीनियों के साथ विश्वासघात। इसराइल और संयुक्त अरब इमारत के बीच शांति समझौते पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने इसके लिए UAE के खिलाफ हमला शुरू करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ UAE ने बड़ा विश्वासघात किया है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कहा कि UAE ने इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में शांति समझौता कर बड़ी गलती की है। हमें उम्मीद है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वे इसे गलत राह को छोड़ देंगे। अमेरिका में टिकटॉक के बाद अब अलीबाबा पर भी खतरा। टिकटॉक बैन करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब नया बयान देकर बीजिंग की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वे अलीबाबा जैसी चीनी टेक जायंट कंपनी पर दबाव बढ़ा सकते हैं। अपनी रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया कि क्या सरकार अलीबाबा जैसी चीनी स्वामित्व वाली कुछ और कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रही है, ट्रंप ने कहा, ठीक है, हम कुछ और संभावनाएं तलाश रहे हैं और हाँ, ऐसा हो सकता है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल। साल भर से अधिक समय के बाद कश्मीर और जम्मू क्षेत्रों के एक एक जिले में परीक्षण के आधार पर 4G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। 16 अगस्त रविवार को एक आधिकारिक आदेश में ये जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक तेज गति वाले मोबाइल इंटरनेट सेवाएं कश्मीर के गंदेरबल जिले और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में तत्काल प्रभाव से बहाल होंगी। इसमें कहा गया है कि आदेश अगले महीने 8 सितंबर तक वैध रहेगा। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी पद से हटाए गए अविनाश पांडे, अजय माकन को मिली कमान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच खत्म हुई गतिरोध के बाद कांग्रेस आलाकमान की ओर से अविनाश पांडे की प्रदेश प्रभारी पद से छुट्टी कर दी गई है। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रभारी और कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे ने बयान जारी करते हुए पार्टी में सभी का आभार जताया। वहीं अविनाश पांडे की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन को राजस्थान कांग्रेस का नया सारथी बनाया गया है। धोनी के संन्यास पर भावुक हुए विराट कोहली, धोनी से कहा, आप हमेशा मेरे कप्तान रहोगे। टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली, पूर्व कप्तान व साथी खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर लगातार भावुक हो रहे हैं। कोहली ने एक बार फिर धोनी से कहा कि आप हमेशा मेरे कप्तान रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने धोनी से मिली मित्रता और विश्वास के लिए आभार जताया है। एक वीडियो में कोहली ने कहा, जीवन में कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं और मुझे लगता है कि यह वह एक लम्हा है। Words fall short a lot of times in life, and I think this is one of those moments. All I can say is to me, you will always be the guy who sat in the last seat of the bus. Not saying much, but your presence, your aura saying a lot. And for me, you've always been that guy, and I'm sure you'll continue to be so. I've always said this, and I'll say it again, you'll always be my captain. Bureau Report, Punjab Today TV. Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.